हे गाइस, वेलकम बैक ऑन चैनल। सो अभी मैं आपको बताने जा रहा हूँ जो महाराणा प्रताप के जो भाले और तलवार वगैरह तो आर्ट गैलरी में है, वहाँ बहुत पुरानी पुरानी चीज़ें आपको मिलेगी। सो आप देख सकते हैं मेरे पीछे ये महाराणा प्रताप की जो स्टैचू है, तो ये सामने आर्ट गैलरी है। तो फिर अब चलते हैं इसके अंदर, और ये आप यहाँ देख सकते हैं। सो लेट्स गो, तो चलते अंदर। तो फाइनली गाइस, मैं आ चुका हूँ यहाँ अंदर, और अब भी यहाँ आपको बताएंगे। हेलो दोस्तों, देखो ये है कुंभगढ़ दुर्गम फोर्ट। और कुंभगढ़ क्या क्या हो जाता है? मैं कुंभगढ़ दुर्ग फोर्ट, ये इसका मॉडल दिया है, मॉडल म्यूजियम। तो इसका मॉडल आपको दिखाते हैं। और देख सकते कितना बड़ा किला है ये, और इसका जो ये बताया है यहाँ। सो अब देखते इससे आगे नेक्स्ट क्या है। तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। और यहाँ महाराणा प्रताप जो तस्वीर है, और ये भी महाराणा प्रताप की है। तो ये बताया गया है, और इस वाले सेक्शन में आपको पुरानी पुरानी पेंटिंग मिलेगी। ये देख सकते हैं, जैसा कि आप यहाँ ये देख सकते हैं, और ये देख सकते हैं दिल्ली सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी द्वारा छल से बंदी बनाए गए रावल रतन सिंह को मुक्त कराने गए आदित्य वीर गोरा एवं बादल। तो पूरी जो हिस्ट्री है यहाँ बताई गई है, और ये आप देख सकते हैं ये है यहाँ दिल्ली सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी से चित्तौड़ रक्षा हेतु अंतिम युद्ध में क्षत्रिय द्वारा साका एवं किले की नारियों द्वारा जौहर किया गया महारानी पद्मनी। तो इनको तो आपने इनका नाम तो सुना होगा, महारानी पद्मनी। तो ये देख सकते हैं आज हमें भी यहाँ सौभाग्य हो गया कि इनकी जो पेंटिंग है इनके दर्शन हो गए फाइनली। और इसके आगे बहुत सारी जो पेंटिंग है इनकी हिस्ट्री यहाँ आपको मिल जाएगी सामने, जैसे यहाँ है ये वाली घर भक्त शिरोमणि मीराबाई की भी है यहाँ, और ये श्री कृष्ण और मीराबाई, देन आगे महाराणा संग्राम सिंह सांगा। तो इस गैलरी में ऐसा कि जो भी पेंटिंग है उसकी आगे हिस्ट्री दी गई साथ में, और बहुत सारी पेंटिंग्स है यहाँ, तो सबकी जो हिस्ट्री है आगे दी गई है। और मैं सबकी हिस्ट्री नहीं बता सकता क्योंकि फिर वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी, तो शॉर्टकट में मैं आपको बता रहा हूँ। ये देख सकते हैं आप यहाँ, और इसका बताया कि बीकानेर के महाराज पृथ्वीराज राठौड़ के पुत्र का सैनिक शिविर से उत्तर देते हुए महाराणा प्रताप, आप निश्चिंत रहे मैं अकबर की दास्तान का भी स्वीकार नहीं करता। अब चलते हैं आगे वाले सेक्शन में। ये हल्दी घाटी का युद्ध, अच्छा हल्दी घाटी का युद्ध, और इसकी जो हिस्ट्री बताई हुई है यहाँ। हल्दी घाटी के युद्ध में मुगल सेनापति आमिर की कुंवर मानसिंह पर महाराणा प्रताप पहले से प्रहार करते हुए जी, ये ऊपर भी बताया था गाइड ने उस टाइम हल्दी घाटी का, पिछली वीडियो में आपको मिलेगा ये देखने को। ये सारा हल्दी घाटी का युद्ध है।
क्या है यहाँ निशान, क्या है हल्दी घाटी के युद्ध के बारे में बताया गया उधर और ऊपर भी हमने देखा था। तो अब आगे चलते हैं आगे वाले सेक्शन पे। सो गाइस ये रहा आर्मर महाराणा प्रताप का, तो ये देख सकते हैं आप आर्मर जिसका वेट है 16.295 kg, 16 किलो का आर्मर। वाह तो देख सकते हैं आप कि महाराणा प्रताप कितना जो है, कितने उनका जो शक्ति है उनमें, जो कि 16 किलो का आर्मर पहनते थे। एंड उसके बाद इनकी तलवार, और तलवार का वजन है लगभग 1.7.99 ग्राम, लगभग 2 किलो की तलवार। और उसके बाद ये देखिए शील्ड, शील्ड बोलते हैं ढाल, ढाल का है लगभग 2.5 किलो की ढाल। और ये देखिए तीर, तीर कमान जो कि है 2.5 किलो के गाइस। तो और इनका भाला लगभग 3 किलो का भाला। तो इतने वेट के साथ ये बैठते थे घोड़े के ऊपर, चेतक के ऊपर। एंड बहुत ही ऐतिहासिक चीज़ें हैं, और हमें इन सब चीज़ों को देख के जो इतिहास है उसको एक बार ही देखने का फिर से मौका मिलता है। तो आई होप आपको भी मिला होगा। हाँ तो गाइज आगे अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ महाराणा प्रताप का जो था पट्टा, पट्टा भी है इनका 2 किलो का। तो इनके बारे में जो एक चीज़ है कि ये दो एट ओ टाइम अपने साथ जब युद्ध में जाते थे दो दो तलवारें अपने साथ कैरी करते थे। तो ये देख सकते हैं पट्टा 2 किलो का, उसके बाद डंडा लगभग 1 किलो का इनका डंडा होता था, और उसके बाद गुर्ज, गुर्ज लगभग 1.5 किलो की गुर्ज, ये देख सकते हैं आप इसको बोलते हैं गुर्ज। और एक बार क्लोज से मैं आपको दिखाऊँगा, ये देखिए गुर्ज एंड दिस इज डंडा एंड ये पट्टा। तो ये जब युद्ध पे जाते थे तो ये सब बिल्कुल पहन के जाते थे। ये देख सकते हैं आप ये आर्मर जो है लगभग 16 किलो का ये हो गया, उसके बाद गुर्ज हो गया कि 1.5 किलो की, डंडा 1 किलो का, पट्टा 2 किलो का, और उसके बाद ढाल होगी 2.5 किलो की, तीर कमान हो गए जो कि इसका जो वेट है लगभग 3 किलो है, उसके बाद तलवार, तलवार भी है 2 किलो की, उसके बाद ये देख सकते हैं आप 3 किलो का भाला जैवलिन। तो इतना जो है भारी भरकम सामान ले जाते थे, तो आप लगा सकते हैं कि कितनी उनमें शक्ति है। मैं आपको बताने जा रहा हूँ सिटी पैलेस जो कि यहाँ झांकी है इसकी यहाँ, तो आप देख सकते हैं सिटी पैलेस। और इसमें क्या है, शिव पोल है, और क्या है इसमें शंभू निवास, द दरबार हॉल। तो ये देख सकते हैं आप मेनाक चौक, और बहुत ही खूबसूरत है पूरी सिटी। ये देख सकते हैं पूरी जो सिटी बताई गई है यहाँ। और ये है गाइस, ये देख सकते हैं। अब आपको मैं बताने जा रहा हूँ हल्दी घाटी रण क्षेत्र जो हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था, तो उसका उसकी पूरी झांकी यहाँ बताई गई है कि किस तरह से युद्ध हुआ और कैसा हल्दी घाटी का युद्ध कैसे हुआ, और पूरा जो है मैप के थ्रू यहाँ समझाया गया है झांकी के थ्रू। और चलिए दिखाते हैं आपको। और ये देखिए स्टार्टिंग से बताते हैं आपको, स्टार्टिंग इधर से करते स्टार्ट, तो कुछ इस तरह का है। देखिए दोनों साइड जो है सेनाएं खड़ी है राजाओं की, और ये देख सकते हैं आप, और जो जगह मेंशन की गई है कि ऊपर जगह मेंशन की गई है सामने, उसमें देख सकते हैं आप ये बीच में जो है महाराणा प्रताप जो कि चेतक के ऊपर बैठे थे और युद्ध में भाग ले रहे थे। एंड इन्होंने जो सेनापति था अकबर का, उसको जो है जो चेतक है हाथी के जो बताते कि सिर पे जो है अपने
पैर रखे थे उन्होंने, चेतक इतना शक्तिशाली हो रहा था। और फिर जब उन्होंने अपने भाले से प्रहार किया था अकबर के सेनापति पर, तो वो झुक गया था, जिस कारण उन्होंने उसका वध नहीं किया था। तो ये आप पूरी देख सकते हैं हल्दी घाटी कैसे युद्ध हुआ, यानी कि यहाँ बताया गया हरे डिटेलिंग बताई गई है। और ये जो हरे हरे ये जंगल है, इसके बीच में जो युद्ध हुआ था, तो ये है वीरों की भूमि महाराणा प्रताप, जो कि हिंदुस्तान के एक बोल सकते हैं एक बहुत ही तगड़े राजा थे। तो आज हमें मौका मिला है उनका उनके जीवन के बारे में जानने का और आप सबको बताने का मौका मिला है। तो इसमें बताया गया कि महाराणा प्रताप का स्टार्टिंग का जीवन कैसा था, फिर इस तरह से यहाँ देख सकते हैं ऐसा बताया गया महाराणा प्रताप की गदनशाली, तो कैसे उनको जो है राजा बनाया गया, तो इस तरह से ये सारा सब कुछ बताया गया है। एंड आगे बता सकता हूँ मैं आपको चित्तौड़गढ़ किला, जो कि महाराणा प्रताप का था। चित्तौड़गढ़ आपने नाम सुना होगा और इसका मॉडल यहाँ दिखाया गया है चित्तौड़गढ़, और आप देख सकते कि कैसा था चित्तौड़गढ़। तो ये इनका किला था महाराणा प्रताप का। तो गाइस ये अभी यहाँ वाला पोर्शन भी होगा, आप देखते इसके आगे क्या है। तो गाइस आपने देखा अभी आर्ट गैलरी, और जिसमें बताया गया था महाराणा प्रताप के बारे में और उनके जीवन से रिलेटिव सारी बातें इसमें बताई गई थी। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, और अब मिलूँगा आपको एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।